अब पिवट टेबल की कैलकुलेशन वाले पार्ट का जो अगला टॉपिक है वो है फील्ड कैलकुलेशन। जैसे कि मेरे पास जो डेटा है, मान लीजिए मेरे पास जो डेटा है, इस डेटा में क्वांटिटी है और एमआरपी है, क्वांटिटी एंड एमआरपी है, राइट। बट इसमें एक टोटल नहीं है, मतलब कि आपका टोटल नहीं है यहाँ पे। तो 55 जो पीस है पर पीस 3668 का बिका है, तो टोटल क्या बिका, ये पिवट में हमें निकालना है। क्योंकि जब हम एमआरपी को, जब यहां से एमआरपी को उठा के मैं यहां रखता हूं, तो ये एमआरपी का सम ऑफ एमआरपी यहां पे सही नहीं होगा। तो सम ऑफ एमआरपी की जगह पे मैं इसको एवरेज ऑफ एमआरपी कर देता हूं, तो यहां पे पता चल जाएगा कि एवरेज एक पीस कितने रुपए का बिका है। तो यहां से डेसिमल प्लेस हटा देता हूं, हाँ। तो मुझे यहां पे टोटल चाहिए कि अमाउंट कितना हुआ, मतलब कि टोटल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एमआरपी। तो इसके लिए पिवट पे क्लिक करेंगे, पिवट टेबल एनालाइज पे जाएंगे, फिल आइटम सेट पे जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड पे जाएंगे और यहां पे लिखेंगे टोटल। टोटल लिखने के बाद यहां टोटल लिख दीजिए या फिर टोटल अमाउंट कर दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहां पे आप अपना ले लीजिए कि क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एमआरपी, देन एड, देन ओके। यहाँ पे बाई डिफॉल्ट इसका काउंट, एक मिनट समो, यहाँ पे टोटल अमाउंट आया, आई थिंक मुझे कुछ यहाँ पे कुछ गलत हुई हो गई है। क्वांटिटी मल्टीप्लाई अमाउंट, स्पेस बन गई थी, अच्छा डेटा में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, तो एक बार इस डेटा को उठाता हूं मैं। ऐसी प्रॉब्लम कब होती है, जब डेटा में कोई टेक्स्ट डाला हो आपका। एक नई शीट पे जाते हैं, इंसर्ट पिवट टेबल एंड ओके। अब मैंने यहां पे नेम रख दिया और मैं यहां पे क्वांटिटी और वैल्यू फील्ड सेटिंग में गए, यहाँ पे कैलकुलेटेड फील्ड, यहाँ पे हमने टोटल अमाउंट का फील्ड बनाया और यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया अपनी क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी और इसको हमने ऐड किया, देन ओके। अब यहाँ अमाउंट आ गया सर, मैम देखिए यहाँ पे अमाउंट आ गया, ठीक है। मुझे इस पर जीएसटी भी निकालना है, तो आप यहीं पे आइए, कैलकुलेटेड आइटम में आइए, यहां पे हम जीएसटी और यहां पे हम टोटल अमाउंट का 18%। अब यहां पे 18 का परसेंट सिंबल नहीं दे सकते क्योंकि ये सिंबल एक्सेप्ट नहीं करता है, तो 0.18 डालना पड़ेगा, जी हाँ 0.18, देन ऐड किया, देन ओके किया, ये आपके सामने 18% का आ गया। इसमें आप एक्सेल की फॉर्मूलीज वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे इंसेंटिव के लिए कॉलम बनाना है, तो मैंने यहाँ पे INC किया और यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया कि इफ ये जो आपकी क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी अगर ग्रेटर देन 15,000 है, गेटिंग देन 19,000, तो यहाँ पे 50,000 का इंसेंटिव आया, अदरवाइज 25,000 का इंसेंटिव आया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इस तरह की जो है आप जो है एक्सेल के फॉर्मूलेज भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कैलकुलेशन में।